नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। समाज सेवी नई मलिक की चुनाव आयोग से रमजान में रोजे के चलते मतदान जल्द कराने की अपील। दरियागंज क्षेत्र में स्थित छत्तालाल मियां RWA और छत्तालाल मियां इलाका सुधार कमेटी के सौजन्य से RWA के अध्यक्ष नई मलिक ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपील की है कि दिल्ली में 12 मई को होने वाले मतदान का समय सुबह 6 बजे से शुरू किया जाए, जिसके चलते मुस्लिम वोटर अपना मतदान भारी संख्या में कर सकें, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा होगा, जिसकी वजह से मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और रमजान में रोजे की हालत में मतदान करना मुश्किल हो जाएगा और अधिकतर मुस्लिम महिलाएं मतदान करने से वंचित हो सकती हैं। इसलिए हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि हमारी इस बात का ध्यान देते हुए मतदान का समय सुबह 6 बजे से शुरू किया जाए। उनसे गुजारिश है कि वोटिंग का टाइम सुबह 6 बजे से कर दिया जाए, जिसमें कि तमाम मुस्लिम महिलाएं वोट डाल सके और कोई भी वोट से महरूम न रहे। मुस्लिम चुनाव है दिल्ली में, तो आपने कहा क्या तो डिमांड कही थी दिल्ली में के अलावा 19 तारीख में जो होने वाला चुनाव है उसके लिए भी। 12 मई में दिल्ली में चुनाव है 7 सीटों के। हमने डिमांड की कि 12 तारीख और 19 तारीख दोनों ही तारीख में रमजान होंगे और हमारा मुतालबा ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इसमें सहूलियत दी जाए कि टाइम थोड़ा कम किया जाए। कम से मीन मेरा मतलब ये है कि सुबह 6 बजे से वोटिंग कराई जाए और शाम को 6 बजे तक, ताकि मुस्लिम में ये पैगाम रहे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। मोहम्मद नईम मलिक। आपका इलेक्शन कमीशन से क्या मुताबिक है इंदौर को देखते हुए जो इलेक्शन रमजान में हो रहे हैं? हमारा जो मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये मुतालबा है RWA का, हमारे छत्तालाल में RWA से है प्रेसिडेंट, कि रमजानों में इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। तो रमजानों में इलेक्शन होने का मकसद है कि जैसे मुस्लिम तादाद बहुत ज्यादा होगी, जो परेशानी होगी, जो रोजा रखेगा जाहिर बात है वोटिंग भी करेगा लेकिन कुछ दिक्कत होगी। हमने ये लेटर में मुतालबा किया है कि नमाज के बाद फौरन 6 बजे इलेक्शन कमीशन को लिखा है 6 बजे से हमारी वोटिंग शुरू की जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। तो आपने कोई इनको कम्प्लेन लिख के दिए, कोई नोटिस उनकी तरफ से कुछ हुआ है आपको, क्या कोई मुतालबा किया आपने रिटर्न में किया है? मैंने रिटर्न में एक लेटर लिखा है दिल्ली कमीशन कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली में 12 तारीख को चुनाव है और 12 तारीख को सलीमुद्दीन, आपको इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा है रमजानों को लेकर? इस रमजान में जो वोटिंग हो रही है और खासकर 12 तारीख जो रोजा होगा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सुबह सहरी खाने के बाद मुस्लिम जितने वोटर हैं उस टाइम में खाना खाने के बाद नमाज पढ़ने के बाद उसी टाइम अगर वोटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी वोटिंग होगी और बहुत तादाद में वोट पड़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर से हमने गुहार लगाई है, हमारी इलाका सुधार कमेटी है छत्तालाल मियां इलाका सुधार कमेटी के मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे प्रेसिडेंट साहब मेरे बराबर में है, नईम साहब की जो कमेटी है हम दोनों मिलकर छत्तालाल मियां में काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर हमारी गुहार पे गौर करे और इसका निर्णय। जैसा कि आपकी सोसाइटी पहली बार इसमें सामने आई है और इससे उसके अलावा सोसाइटी वाले चाहिए, तो क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपकी इस कंप्लेंट पर गौर करेगा? और हमें तो उम्मीद है कि हमारी इस गुहार के ऊपर गौर करेगा और करना चाहिए, हमें यकीन है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट टाइम मिलने से ज्यादा मुस्लिम वोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे? क्योंकि मुस्लिम जब सहरी खाने के बाद आराम करने चला जाता है तो फिर वो अलकस आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सहरी खाते ही नमाज पढ़ते ही फजर की और वोटिंग शुरू हो जाए। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।